गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब हम हमारा थ्योरम नंबर 8.1 लेते हैं। इसका स्टेटमेंट है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इन इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बराबर, तो हमको इसमें ये बताना है कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के उसमें डिवाइड कर रहा है। बराबर, अब मैंने यहाँ आपके लिए एक पैरेललोग्राम बनाया है। बराबर, अब इसमें हमको हम दो डायगोनल भी बना सकते हैं, पर हमको यहाँ पर ए बोला है यानी एक बनाना है, तो हमने यहाँ पर एक डायगोनल बनाया। बराबर, अब हमको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। बराबर, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी डी बी। बराबर, ये हमको प्रूव करना है। तो अब प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी। बराबर, अब ये दो ट्राइंगल में हम क्या देखेंगे, बी डी इक्वल टू डी बी। बराबर, ये कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है, इसलिए हम इसको इक्वल बता देते हैं। अब आपको याद हो तो हमने हमारे चैप्टर नंबर 6 के थ्योरम्स में पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर देखो ये जेड बन रहा है। बराबर, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसको नाम दे देते हैं एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर। तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। वाई? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बराबर, है ना, यानी ए ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। बराबर, और बी डी क्या है, वो ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो ट्रांसवर्सल लाइन पर जब दो एंगल बनते हैं तो वो ऑलवेज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। ये चीज़ हमने हमारे चैप्टर नंबर 6 में पढ़ी थी। बराबर ना, तो यहाँ फर्स्ट तो हमने बता दिया बी डी इक्वल टू डी बी। बराबर, कॉमन साइड, फिर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, वाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या ए बी पैरेलल बी सी, बी डी इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। बराबर ना, तो सेम टू सेम ऐसा एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर भी होगा, इसमें भी सेम रीज़न हमको देना है। तो इन तीन चीज से हम प्रूव करेंगे कि एंगल ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू ट्राइंगल सी डी बी। बराबर, कैसे कैसे प्रूव हुआ, तो ये साइड एंगल एंगल रूल से। बराबर, यहाँ पे साइड एंगल एंगल रूल जो है यहाँ पर लगेगा और इससे जो है हमारे थ्योरम प्रूव हो जाता है। बराबर ना, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट हमको याद रखना है। स्टेटमेंट याद हुआ तो आप इजीली सम सॉल्व कर सकते हो। बराबर ना, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बराबर, तो हमको किसी भी ट्राइंगल को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो हमको तीन चीज़ें बतानी रहती, ये आपको पता है। और तीन चीज़ हमने इसमें क्या बताई, तो हमने एक साइड बताई और दूसरे दो एंगल्स बताए। तो ये साइड एंगल एंगल रूल से जो है हमारा ये थ्योरम प्रूव होता है। नाउ वी स्टार्ट अवर थ्योरम नंबर 8.2। 8.2 है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बराबर, हमको पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है वो इक्वल प्रूव करना है। बराबर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। बराबर, और उसको हम एक ट्रांसवर्सल लाइन से डिवाइड करेंगे, बिकॉज पैरेललोग्राम में तो हमारे पास कोई एंगल बनेगा नहीं। बराबर, तो हमको ये प्रूव करने के लिए एंगल बनाने पड़ते हैं। और आपको चैप्टर नंबर 6 और 7 आपको अच्छे से याद हो तो ये थ्योरम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बराबर, तो हमने क्या करा, एक ट्रांसवर्सल लाइन ए सी जो है वो पैरेललोग्राम में बना ली। बराबर, तो देखो हमको क्या है, गिवन ए पैरेललोग्राम, ये जो है वो पैरेललोग्राम लिखा है। बराबर, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हमारे पास एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि ए बी जो है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ए बी इक्वल टू सी डी प्लस ए डी इक्वल टू बी सी। बराबर, ये हमको प्रूव करना है। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे कि ए सी को ज्वाइन कर देते। बराबर, तो हमारे पास क्या बने, दो एंगल बने बेटा, एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी। बराबर ना, तो अब जो है हम इजीली हमारा स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं। अब ए बी पैरेलल सी डी प्लस ए डी पैरेलल बी सी,
क्यों है ये, कि वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम इज पैरेलल, बराबर ना। तो अब ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, बराबर। अब यहाँ पर जो है ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और इनके बीच की ट्रांसवर्सल क्या है, ए सी, बराबर। तो अब देखो आपको इजीली पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर जो है अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, बराबर ना। देखो ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, बराबर ना। तो इससे जो है हमारी थ्योरम सॉल्व करेंगे, बराबर। तो एंगल वन जो है वो एंगल टू के बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हम इसको इक्वेशन वन नाम दे देते हैं। और ए डी जो है ए डी बराबर बी सी, अब देखो यहाँ पर ये ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, तो यहाँ पर कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, तो यहाँ पे थ्री और फोर बनेंगे, बराबर। यहाँ पे ए बी और सी डी में कौन से बन रहे थे, ए बी और सी डी में बन रहे थे वन और टू, और ए डी और बी सी में कौन से बनेंगे, थ्री और फोर, बराबर ना। तो इसको हम इक्वेशन टू नाम दे देते हैं, कि इक्वेशन वन में क्या था, एंगल ए इक्वल टू एंगल टू, और इक्वेशन टू में एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, बराबर। और दोनों का रीजन सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बराबर। ये हमने चैप्टर नंबर सिक्स और सेवन में अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसलिए हमको अच्छे से पता है ये चीज़ें ना। अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी वी हैव, बराबर। ए बी सी और ए, देखो ए बी सी और ए डी सी में, बराबर, हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। यहाँ पर देख लो अच्छे से, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, है ना। तो इसमें हमारे पास क्या है, एंगल वन एंगल टू इक्वल टू एंगल वन और एंगल फोर इक्वल टू एंगल थ्री, बराबर। ये हमको इक्वेशन वन से मिला है। और ए सी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो ये कौन सा लगेगा यहाँ पे रूल, साइड एंगल साइड रूल, बराबर ना। तो इससे जो है हम प्रूव करेंगे कि हमारा थ्योरम जो है हमारा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्वेंस एंगल ट्राइंगल ए डी बी बाई सी पी सी टी रूल, बराबर। तो ईजीली हम बता सकते हैं कि ए बी जो है ए बी इक्वल टू सी डी प्लस ए डी इक्वल टू बी सी। तो ये जो है हम एकदम ईजी जो हमारा ये बता सकते हैं कि भाई साइड एंगल साइड रूल से जो है हमने ये चीज़ प्रूव करी, बराबर ना। साइड एंगल साइड यानी ए बी जो है, देखो मैं बता दूँ, ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, और ये जो है वो इससे, सॉरी यहाँ पे देख लो अच्छे से बेटा, ए डी जो है ए डी साइड जो है वो बी सी साइड के बराबर है, बराबर। कैसे प्रूव करा हमने यहाँ पर, तो हमने दोनों एंगल्स जो है उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताए, इससे जो है प्रूव हुआ, बराबर। और हमारा बी सी जो है वो डी सी जो है वो बी ए के बराबर है, तो हमने यहाँ पर साइड एंगल साइड रूल से ये चीज़ प्रूव करी। तो ये जो है हमारा थ्योरम नंबर 8.2 भी यहाँ पर पूरा होता है। तो अब जो है हमारा थ्योरम नंबर 8.3 क्या है हमारा, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेलोग्राफ, बराबर। अब हमको इसमें क्या प्रूव करना है कि अपोजिट साइड इक्वल है तो ये एक पैरेलोग्राम है, ये बात हमको बतानी है, बराबर। तो इसमें भी सेम फिगर सेम ही बनेगा बेटा। तो ये जो है फिगर, अभी इसमें मैं नहीं बना रही हूँ, आपको टेक्स्ट बुक में से ही बता दे रही हूँ। तो ये ए बी सी डी जो है एक पैरेलोग्राम है हमारे पास, बराबर, जिसमें हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाई है ए सी, बराबर। अब इसमें हम पहले क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बनाए तो हम किसी भी ट्राइंगल को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम ट्राइंगल ए बी सी और ए डी सी में क्या प्रूव करेंगे कि ए बी जो है वो हमारी सी डी के बराबर है, बराबर, ये हमको उसमें ही दिया हुआ है। और बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, फिर AC जो है वो AC के इक्वल है। तो तीन चीज़ जो है हमको इसमें ऑलरेडी दी हुई है कि ट्राइंगल ABC में, बराबर, इन ट्राइंगल ABC, देखो है ना। तो ट्राइंगल ABC में जो है वो हमको AB जो है वो CD के बराबर है, BC जो है वो AD के बराबर है, और AC जो है वो CA के बराबर है, बराबर ना। तो ये जो है इससे हम बाई साइड साइड रूल से हम ये बात प्रूव करेंगे कि ये जो है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी
सी ये कॉन्गवेंट ट्राइंगल बन रहा है, ये बात हमने प्रूव करी। अब आपको पता है कि इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बन रहे हैं भाई। तो जब हम साइड रूल से हमने ये बात प्रूव कर ली, देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है वो भी देख लो बराबर, कि टू प्रूव ए बी सी डी इज़ अ पैरेलोग्राम बराबर। ए सी जो है हमारा ट्रांसवर्सल है ना, उसमें हमने ये तीन चीज़ प्रूव करी जिससे एंगल ए बी सी कॉन्गवेंट एंगल ए डी सी बराबर। कौन से रूल से? तो बाई साइड रूल से बराबर। अब एंगल ए बी सी कॉन्गवेंट एंगल ए सी डी, तो सी पी सी की रूल से जो है एंगल टू एंगल वन इक्वल टू एंगल टू और प्लस एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर होगा बराबर। कैसे होगा कि देखो मैंने यहाँ पर ही आपको बता दिया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो अब इस तरह से जो है हम ये भी बता सकते हैं कि ए बी एंड सी डी जो है बराबर, ए बी एंड सी डी जो है वो क्या है, तो वहाँ पर एंगल वन और एंगल टू बन रहा है, तो दे आर अल्टरनेट एंगल्स एंड इक्वल बराबर, इसका रीज़न वो है। और ए डी एंड बी सी पर जो है एंगल थ्री और एंगल फोर बन रहा है, तो वहाँ पर भी हम लिख सकते दे आर अल्टरनेट एंगल्स एंड इक्वल बराबर ना। तो इस पर से हम इतना बता सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। तो इस पर से जो है हमारा स्टेटमेंट बैठेगा कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इट इज़ अ पैरेलोग्राम बराबर ना। तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि थस इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, तो ए बी सी डी इज़ अ पैरेलोग्राम बराबर। ये एकदम ईजी है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है बराबर। हमने जो टू वाला थ्योरम करा था उससे थोड़ा अपोजिट है ये बराबर। टू वाले थ्योरम में हमने क्या बोला था कि इन्हें पैरेलोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल बराबर। इसमें हमको ये बताया था कि पैरेलोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, और इसमें हमको क्या बोला है कि अपोजिट साइड इक्वल हो तो वो एक पैरेलोग्राम है, वो चीज़ आप प्रूव करो। तो दोनों चीज़ में एक ही बताना है। तो सबसे पहले जो है हम एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लेंगे, उसके बाद जो है एंगलों को कॉन्गवेंट प्रूव करेंगे, और उस पर से जो है हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। तो ये थ्योरम नंबर 8.3 भी हमारा पूरा हुआ है।